हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड प्रतीक एंड वेलकम टू माय चैनल बेटा ट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा यूजर अकाउंट करप्ट हो जाए तो उसको कैसे सही करना है, चाहे वह लोकल यूजर हो या डोमेन यूजर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हम अपने कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर पाते हैं और वह कुछ अजीब सी एरर देता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से भी एरर आती है। द यूजर प्रोफाइल सर्विस फेल्ड द लॉगिन, यूजर प्रोफाइल कांट बी लोडेड। इस प्रकार की एरर यूजर प्रोफाइल करप्ट होने की वजह से होती है और इस कंडीशन में अधिकतर लोग अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम बिना फॉर्मेट किए ही इस प्रॉब्लम को कुछ इजी स्टेप में ही सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेप को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी यूजर अकाउंट की प्रोफाइल को रिफ्रेश कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन होना जरूरी है, तभी आप यह स्टेप कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में बेटा ट्रिक्स नाम के यूजर की प्रोफाइल करप्ट है। तो उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना है, फिर हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड की विंडोज और आर की बटन एक साथ प्रेस करनी है। तो मैं यहाँ पर विंडोज और आर की बटन एक साथ प्रेस कर देता हूँ, जिससे रन प्रॉम्प्ट ओपन होगा हमारे सामने। अब हमें रन प्रॉम्प्ट पर रजिस्ट्री एडिटर नाम की कमांड चलानी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है REG एडिट। उसके बाद हमें इंटर कर देना। जैसे हम इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें H की लोकल मशीन के सामने वाले एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 से 6 ऑप्शन आपको फिर मिलेंगे। देन हमें सॉफ्टवेयर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, देन हमें विंडोज NT का ऑप्शन ढूंढना है। तो स्क्रॉल करते जाइए और विंडोज NT का ऑप्शन आपको W अल्फाबेट पे मिलेगा। तो आप स्क्रॉल करते जाएं जब तक कि W अल्फाबेट आपके सामने ना आ जाए। देन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज NT का ऑप्शन हमें मिल चुका है। यहाँ पर आपको करंट वर्जन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करंट वर्जन ऑप्शन पर जाएंगे, देन अब हमें फिर से स्क्रॉल करते जाना है और प्रोफाइल लिस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल लिस्ट ऑप्शन आपको मिल चुका है। अब हम यहाँ पर प्रोफाइल लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपके कंप्यूटर में जितने भी यूजर अकाउंट अभी तक लॉगिन हो चुके होंगे वो सारे आपको दिखेंगे, उनकी प्रोफाइल आपके सामने शो होगी। तो आपको इन सभी पर क्लिक करते जाना है। आप जैसे ही इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर अकाउंट का नाम दिखेगा, क्योंकि हमें बेटा ट्रिक्स नाम के यूजर की प्रोफाइल ही डिलीट करनी है। मैंने जैसे ही 4th ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेटा ट्रिक्स यहाँ पर दिख गया, यानी ये बेटा ट्रिक्स की प्रोफाइल है। तो हमें इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के पहले हमें जिस भी यूजर की प्रोफाइल डिलीट करनी है उसका डेटा, उसके डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट डाउनलोड का डेटा हमें बचाना है, यानी सेव करके रखना है किसी भी ड्राइव पे। तो हम यहाँ से बाहर आते हैं और माई कंप्यूटर पे जाते हैं, सी ड्राइव पे जाएंगे, देन हम यूजर्स पे जाएंगे और बेटा ट्रिक्स नाम के यूजर पे जाके, क्योंकि मैं यहाँ पे बेटा ट्रिक्स यूजर की प्रोफाइल डिलीट करने वाला हूँ, तो उसके डेस्कटॉप पर जाके देखूंगा अगर कुछ डेटा है, क्योंकि अभी ये सब शॉर्टकट है। अब डाउनलोड चेक कर लेता हूँ, डाउनलोड पे कुछ भी कुछ नहीं है। अगर वो डेटा होता तो मैं किसी भी ड्राइव पे सेव कर लेता उसको। माई डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, यहाँ पर एक बुक 1 नाम की फाइल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, देन किसी भी ड्राइव में मैं रख दूंगा इसको। यहाँ पर मैंने रख दिया। अब हम फिर से रजिस्ट्री एडिटर पर जाएंगे और उसी बेटा ट्रिक्स के प्रोफाइल पर राइट क्लिक करेंगे, देन हम डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और डिलीट कर देंगे इसको। दोस्तों, एक बार डिलीट करने के बाद यह ऑटोमेटिकली बेटा ट्रिक्स यूजर की प्रोफाइल फिर से क्रिएट कर देगा और अब हम बेटा ट्रिक्स यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।